एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में 70 वर्षीय महिला करुणा मंडल का ट्रांस आर्टिकुलर बल्ब इम्प्लीमेंटेशन टावी द्वारा हुआ सफल इलाज। महिला की उम्र अधिक होने के कारण महिला की सांस फूलना, ब्लड प्रेशर आदि की दिक्कतें होने लगी थी, जिसकी वजह से वह एशियन अस्पताल में भर्ती हुई थी। एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर गीतेश मानिक ने महिला के दिल की जाँच की तो पाया कि महिला के दिल का बल्ब सिकुड़ रहा है एवं वह लीक भी कर रहा है, जिस कारण महिला के बल्ब का इलाज ऑपरेशन द्वारा ही किया जा सकता था, परंतु महिला की उम्र अधिक होने के कारण वह महिला के स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के कारण बाईपास सर्जरी में जान का खतरा था। एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर गीतेश मानिक, डॉक्टर अमित चौधरी एवं डॉक्टर राज कपूर ने रेलवे अस्पताल प्रशासन एवं चिकित्सकों से मरीज की स्थिति के बारे में बात करी एवं बल्ब रिप्लेसमेंट की एक बहुत ही आधुनिक तकनीक, जिसका नाम ट्रांस आर्टिकुलर बल्ब इम्प्लीमेंटेशन टावी के द्वारा मरीज के इलाज की परमिशन मांगी गई। यह इलाज दिल्ली में ही होता है एवं अत्यधिक महंगा इलाज है, जिसका खर्च करीब 30 से 40 लाख रुपए के बीच में रहता है। रेलवे अस्पताल के सहयोग द्वारा एशियन अस्पताल की टीम ने आज यह ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन मुरादाबाद में इसी के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड का पहला ऑपरेशन है, जो कि एशियन विवेकानंद के अस्पताल की कार्डियक टीम द्वारा किया गया। डॉक्टर राज कपूर ने बताया कि इस विधि द्वारा बिना सर्जरी के मरीज के पैर की नस द्वारा कैथेटर की सहायता से बल्ब डालकर मरीज का इलाज किया जाता है और मरीज की छुट्टी भी 2 दिन से 3 दिन में कर दी जाती है। मरीज के परिजनों द्वारा इस सफल ऑपरेशन के लिए एशियन विवेकानंद की पूरी कार्डियक टीम डॉक्टर ने चिकित्सकों का आभार एवं धन्यवाद दिया। एशियन विवेकानंद की कार्डियक टीम ने एशियन अस्पताल के CMD पदम श्री डॉक्टर NK पांडे, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत पांडे एवं रीजनल हेड डॉक्टर हिलाल अहमद का भी बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इतनी एडवांस विधि द्वारा इलाज के लिए मुरादाबाद जैसे छोटे शहर में सभी व्यवस्थाएं एवं कार्य करने के लिए सहयोग किया। अस्पताल के सेंटर हेड शोएब मलिक द्वारा भी इस प्रोसीजर में व्यवस्थाएं बनाने के लिए उनका धन्यवाद किया गया। इस महिला के सफल ऑपरेशन के लिए एशियन विवेकानंद के CMD पद्मश्री डॉक्टर NK पांडे, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत पांडे, रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हिलाल अहमद ने शुभकामनाएं दी एवं आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि अस्पताल द्वारा भविष्य में भी इसी प्रकार की नई नई तकनीकों से मरीजों का इलाज किया जाता रहेगा। और आप सभी रिपोर्टर्स को धन्यवाद आज हम लोगों को इस इवेंट के लिए कवर करने के लिए। बेसिकली सारा कुछ बताया जा चुका है, मैं सिर्फ एक चीज़ को रीएम्फेसाइज करना चाहूँगा कि आज की तारीख में जो सर्विसेज हम लेने कहीं भी दिल्ली या बॉम्बे जाते थे, यहाँ से मैं तो दिल्ली से आता हूँ यहाँ पे ये सर्विसेज देने के लिए, मैं कार्डिक सर्जन हूँ एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में, तो यहाँ पे वो हर चीज़ अवेलेबल है या हर सर्विस अवेलेबल है जिसके लिए कि हम दिल्ली जाना आता जाया करते थे। तो मेरा ये कहना है आपके माध्यम से इस अवेयरनेस को आप लोग बढ़ाएं, हमारी हेल्प करें और वो हर व्यक्ति जो वहाँ जाके धक्के खाता है उसको वहाँ ना जाना पड़े, वही सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और इकोनॉमिकली और बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स पे। तो ये मेरा मेन मैसेज आप सबके थ्रू पब्लिक को पहुँचाने का है आपके माध्यम से। थैंक यू डॉक्टर कपूर ने सब कुछ आपको बड़े विस्तार से समझा दिया है। अब बस मैं इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगा, जैसे हम लोगों ने शुरुआत करी थी तो बेसिक सेंटर था ये सिर्फ एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का, जो कि अब जगह जगह हो रही है, बट अब इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बलून सर्जरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, उसके बाद आई थिंक 2 साल पहले यहाँ पर जो दिल के छेद हैं उनको बटन द्वारा बंद करना स्टार्ट किया था, जिसको ASD और BSD PDA क्लोजर कहते हैं, और साथ साथ हमारी टीम में डॉक्टर अमित चौधरी भी जुड़े, जिससे सारी तरह की सर्जरीज हम लोग लगभग 1.5 से 2 साल से लगातार करते आ रहे हैं। तकरीबन 10 से 15 सर्जरीज, ओपन हार्ट सर्जरीज यहाँ रेगुलरली होती हैं, बट समाउ हमारे पास ये पेशेंट लैंड किया जिनको डॉक्टर दीक्षित ने एवेल्यूएट किया रेलवे में। उन्होंने पाया कि पेशेंट जो है एक 70 साल से वृद्ध लेडी हैं, उनको बेसिकली सांस फूलने की काफ़ी ज़्यादा शिकायत थी, तो उनको जब इको किया गया तो पाया गया कि उनका जो मेन वैल्व है जिसको एओर्टिक वैल्व कहते हैं बिल्कुल दबा हुआ है, जिसकी वजह से दिल फैल गया है और दिल की पंपिंग गिर गई है। तो ऐसे केसेस में नॉर्मली पेशेंट्स को सर्जरी के लिए भेजा जाता है, बट जैसे सर ने बताया कि इसमें कोमोबिडिटीज़ बहुत ज़्यादा थी तो इसमें मृत्यु के चांसेस बहुत ज़्यादा थे ओपन हार्ट सर्जरी में। तो इसमें जो बहुत रीसेंट प्रोसीजर है जिसको टावी बोलते हैं, जिसको ट्रांसकुटेनियस एओर्टिक वैल्व इम्प्लांटेशन बोलते हैं, सर ने बहुत डिटेल में समझा दिया आपको, तो उसका बेसिकली प्लान किया गया और समाउ डॉक्टर दीक्षित और उनकी टीम ने अप्रूव किया, फिर फाइनली पेशेंट और उनके रिलेटिव से बात की गई और आज इसको सफलतापूर्वक कम्प्लीट किया गया है।
अभी पेशेंट का जो वाल्व का ग्रेडियंट बेसिकली ऑपरेशन से पहले 60 या 60 के ऊपर था, अब वो बिल्कुल नॉर्मल है, बीपी बिल्कुल ठीक है और पेशेंट बिल्कुल होश में है। तो ये पांव द्वारा सारा काम हो गया, बट इसमें एक ही प्रॉब्लम जो आज के समय में आती है वो इसकी कॉस्ट की आती है। अगर इसकी कॉस्ट की हम बात करें तो ये दिल्ली और नोएडा इस एरिया में तकरीबन 25 से 30 लाख का होता है, बट हमारे यहाँ ये टोटल प्रोसीजर लगभग 15 के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया। इसमें 15 में मोटा मोटा मांगे चले तो 13 से 14 के आसपास इस इम्प्लांट की कॉस्ट आती है, क्योंकि ये बाहर से विदेशों से मंगाया जाता है जिसका निर्यात अब हिंदुस्तान में होने लगा है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में इसकी वैल्व की कॉस्ट और नीचे जाएगी, क्योंकि इसका निर्यात बहुत सफलतापूर्वक हिंदुस्तान में भी हो रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। हमारा विवेकानंद मिशन हॉस्पिटल काफ़ी सफलतापूर्वक ये सब चीज़ें यहाँ कर रहा है। और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मेरे साथ डॉक्टर गीतेश मानिक और डॉक्टर अमित चौधरी एंड डॉक्टर दीक्षित विवेकानंद हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट और कार्डियोथोरेटिक डिपार्टमेंट की तरफ से बताना चाहूँगा। एक वृद्धावस्था का मरीज पढ़ना जिसका एक हार्ट का बॉल सिकुड़ गया था और जिसके लिए उसे आगे सर्जरी के लिए जाना था, लेकिन सर्जरी ना करवा के हम लोगों ने आज उसको टाबी प्रोसीजर जिसमें कि बिना सर्जरी करे कैथेटर डाल से उसका बॉल जो है लगा दिया जाता है, सफलतापूर्वक लगा दिया गया है। मरीज स्वस्थ है। मरीज को सबसे अच्छा फायदा है कि उसको बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और कोई भी बड़ा इंसीजन या बड़ा कट उसके लिए नहीं आएगा। ये ऐसा प्रोसीजर वेस्टर्न यूपी में पहली बार हम लोगों के यहाँ हुआ है। इसके अलावा ये सुविधाएं केवल दिल्ली एनसीआर में और लखनऊ में। मरीज का नाम करुणा देवी है, करुणा मंडल, ये मुरादाबाद मंडल से ही है, पेशेंट है और रेलवे के थ्रू हम लोगों के लिए आया था। किस तरह से उसको लिए सर्जरी नहीं करी गई, जो पैर की नस होती है पैर की नस से तार डाल के हार्ट तक पहुंचा गया और हार्ट पे वहां पे मशीनों के सहायता से जो है बॉल्व जो है उसकी उस पोजीशन पे लगा दिया गया जहां का हार्ट का बॉल सिकुड़ा हुआ था और उसमें कोई सर्जरी काट पीट वाली नहीं करी। कितना खर्चा आएगा इसमें? बाहर तो दिल्ली वगैरह में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, करीब 20 से 25 लाख में आता है। हम लोगों के यहाँ ये केवल 15 लाख में करा गया है। मरीज के लिए अच्छाई यह है कि सर्जरी से बचाव होता है और मरीज 3-4 दिन बाद अपने वर्क पे भी लौट सकता है और सर्जरी के बाद जो उसको बहुत ज़्यादा पेन और दर्द ये सब बने रहते हैं वो कोई लॉस उसको नहीं होगा। तो वर्क बेनिफिट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट और प्रोसीजरल मॉर्टेलिटी भी कम है।